दोस्तों, भारत के सी फेरर्स यानी समुद्री जहाजों पर काम करने वाले लोग भारत के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में दक्षता पाने की चाहत रखने वालों की संख्या बढ़ रही है। समुद्री जहाज की नौकरी भारतीय युवाओं को बहुत आकर्षित करने लगी है। इस क्षेत्र में मिलने वाले वेतन और सुविधाओं की बातें जल परियों की कहानियों से कम रोचक नहीं। आंकड़ों के अनुसार प्रति साल करीब 6000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा नाविकों की कमाई के रूप में भारत आती है। प्री सी और पोस्ट सी कोर्सेज मर्चेंट नेवी में दोनों तरह के कोर्स चलाता है। प्री सी मतलब सी पर जाने से पहले जो कोर्स करना होता है कंपलसरी होता है, इट्स कॉल्ड प्री सी। उसमें हम 10 कोर्सेज चला रहे हैं प्री सी में, इंक्लूडेड एफिलिएटेड विद द एमसीए। एमसीए इज इन यूके। सो डेक ऑफिसर और इंजीनियर ऑफिसर जो लोग की कैप्टन और चीफ इंजीनियर बनते हैं उसके भी कोर्स हम यूके से एफिलिएशन चलाते हैं। इंडिया डीजी शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के थ्रू भी हमें टेक करेट इंजिन करेट के लिए भी चलाते हैं। प्लस जो ग्रेजुएट बच्चे हैं बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक किए हैं, इलेक्ट्रिकल के कोर्स चला रहे हैं। इस तरह से हम सपोर्टिंग लेवल में जीपी रेटिंग का होता है, खाना बनाने के लिए सलून रेटिंग का होता है, ये सारे कोर्सेस हम चलाते हैं। ऐसे में भारतीय युवकों का रुझान इस पेशे के प्रति बढ़ रहा है। नतीजतन उन संस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है जो युवाओं को समुद्री जहाज पर नौकरी करने के लायक बनाती हैं। आज भारत में करीब 133 ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। सत्रह साल में हमने प्री सी में 10,000 कैंडिडेट ट्रेन किए प्री सी एंड पोस्ट सी में 4,25,500 कैंडिडेट ट्रेन किए। जहाज पर कार्यरत लोगों को भी समय समय पर ट्रेनिंग लेने की जरूरत होती है, ऐसे में इन शैक्षणिक संस्थाओं की मांग और बढ़ रही है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार भारत के इस नाविक शैक्षणिक संस्थान ने महज एक साल में यानी 2013-14 में करीब 28,606 नाविकों को ट्रेनिंग दी और 2015-16 में ये संख्या बढ़कर 46,480 हो गई है। कैप्टन सैलरी ऑलमोस्ट ऑन एवरेज इज 10 lakh rupees एंड जीपी रेटिंग बॉयज इज ऑन एवरेज इज 1 lakh rupees, एवरेज इज 5 lakh rupees। सो 5 lakhs into 10,000 दैट मच करेंसी ऑलमोस्ट यू कैन से 10,000 Indian 10,000 crores Indian rupees in the form of foreign currency is coming in India. समुद्री जहाज कर्मियों की पढ़ाई में अनुभव का पुट अधिक होता है, इसलिए यह सिम्युलेटर्स और जहाज पर वास्तविक ट्रेनिंग पर अधिक बल दिया जाता है। पढ़ाई में भी ऑडियो वीडियो का महत्व अधिक होता है। एक अनुमान के अनुसार आज भारत में करीब 2 लाख जहाज कर्मी हैं और वो दिन दूर नहीं जब ये संख्या एक विश्व कीर्तिमान बन जाएगी। Thank you.